नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीम टच। तो आज का टॉपिक रहेगा कि आप ई केवाईसी फिंगरप्रिंट का आईडी लिए हैं, फिंगरप्रिंट से पैन कार्ड बनाने वाला आईडी लिए हैं, तो आप उसमें एड मनी कैसे कीजिएगा, बैलेंस लोड कैसे कीजिएगा अपना रिटेलर आईडी में। तो पूरा वीडियो रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगा आपको। रिटेलर आईडी का भी पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम दे देंगे कि आप रिटेलर आईडी कैसे ले सकते हैं और रिटेलर आईडी में आप क्या क्या कर सकते हैं। ई केवाईसी पैन कार्ड यानी फिंगर से पैन कार्ड बनाने वाले आईडी आप ले करके आप पैन कार्ड न्यू पैन कार्ड बना सकते हैं, पैन कार्ड करेक्शन कर सकते हैं, और फिंगर से ही पैन कार्ड बनाने के माध्यम से आप फोटो भी अपलोड कर सकते हैं और सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से, इस रिटेलर आईडी को ले करके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी जानकारी लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि लेटेस्ट और न्यू अपडेट्स इस चैनल पर आपको मिलते रहता है, न्यू अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलते रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा कि आप रिटेलर आईडी, ई केवाईसी, पैन कार्ड बनाने का आईडी लिए हैं, उसमें आप एड मनी कर सकते हैं, और उसका लाइव प्रोसेस हम करके दिखाएंगे कि आप विद इन सेकेंड में मनी को ऐड कर सकते हैं और अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। एक पैन कार्ड बनाने में आपको 107 रुपया डिडक्ट होता है रिटेलर आईडी से। आप इजीली बैलेंस को ऐड कर सकते हैं और पैन कार्ड बना सकते हैं विद इन 5 मिनट्स में, आप पैन कार्ड बना के रेडी कर सकते हैं, यानी पेपरलेस पैन कार्ड इस आईडी से आपका बन जाता है। और एक न्यू अपडेट से मेरे इस वेबसाइट में हो गया है कि आप अगर पैन कार्ड आईडी लिए हैं हमसे, फिंगर से पैन कार्ड बनाने वाले आईडी लिए हैं या फिर लेना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरी देखना चाहिए कि आप इस रिटेलर आईडी को लेकर के आप पेपरलेस पैन कार्ड बना सकते हैं, फिंगर के द्वारा पैन कार्ड बना सकते हैं, उसमें आप मनपसंद कस्टमर का फ़ोटो भी लगा सकते हैं और सिग्नेचर भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये मेरे वेबसाइट पे लाइव हो गया है, आप इजीली, आप अगर सोच रहे हैं पैन कार्ड का आईडी लेने के लिए, पेपरलेस पैन कार्ड में आप फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना चाहते हैं, तो तुरंत आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, और अपना रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्रिएट कर सकते हैं और अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये लाइव हो चुका है पोर्टल पर। आप इजीली अपलोड कर सकते हैं फिंगरप्रिंट के माध्यम से पैन कार्ड बना के, आप फोटो भी अपलोड कर सकते हैं कस्टमर का, सिग्नेचर भी आप अपलोड कर सकते हैं। और ये पैन कार्ड आपको मेल में 3 से 4 दिन में आपको मिल जाता है, हार्ड कॉपी कस्टमर के एड्रेस पे 10 से 12 दिन में पहुंच जाता है। और इसी वीडियो में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि आप इसी रिटेलर आईडी से आप करेक्शन भी कर सकते हैं कस्टमर का, फिंगर के माध्यम से, और पेपरलेस करेक्शन है ये। और दूसरा माध्यम क्या है कि आप न्यू पैन कार्ड भी आप इजीली पेपरलेस से बना सकते हैं। तो न्यू आईडी पेपरलेस बनाइएगा फिंगर के माध्यम से या आधार ओटीपी के माध्यम से, तो वो आपको मेल में 1 से 2 घंटा के अंदर मिल जाता है, हार्ड कॉपी कस्टमर के एड्रेस पे 5 से 7 दिन पहुँच जाता है। तो चलिए आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप का स्क्रीन पर लेके जाएंगे और उसमें आपको लाइव एड मनी करके दिखाएंगे और पैन कार्ड अप्लाई करके प्रोसेस भी दिखाएंगे आपको दोनों माध्यम से। तो रिटेलर आईडी में हम लॉगिन कर लिए हैं, ये रिटेलर आईडी का डैशबोर्ड है और ये सुंदर डैशबोर्ड है रिटेलर आईडी का, कोई भी इस डैशबोर्ड से इजीली काम कर सकता है, वर्क कर सकता है। तो ये वॉलेट में मेरा 5 रुपये है, हम लाइव बैलेंस ऐड करके दिखाएंगे और पेन अप्लाई करके प्रोसेस बताएंगे। तो यहाँ एड मनी में क्लिक कीजिएगा, एड मनी में क्लिक करने के बाद प्रोसेस आगे बढ़ेगा और यहाँ पे ई केवाईसी पेन अप्लाई है, वहाँ ओटीपी और बायोमेट्रिक डिवाइस से पेन कार्ड बना सकते हैं, ईसाइन में आप फिंगर के द्वारा पेन कार्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम 110 रुपये डाल दिए, इसके बाद एड मनी करेंगे। एड मनी करने के बाद जैसे ही रिडायरेक्ट होके आपको पेमेंट सेक्शन पे जाएगा और यहाँ पे आपको बारकोड दिखेगा, इस बारकोड को स्कैन कर सकते हैं आप यूपीआई से, भीम यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, किसी से भी स्कैन करके आप पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये 5 मिनट के अंदर आपको UPI पेमेंट यानी स्कैन करके आपको पे करना पड़ेगा। जैसे ही पेमेंट क्लियर होगा, सक्सेस होगा, आपका ऑटोमेटिक सारा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। तो हम भी ये फटाफट फ़ोनपे ओपन करके स्कैन करके पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट जैसे ही एक्सेप्ट हुआ देन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ऑटोमेटिक और ये विद इन सेकेंड में आपका पेमेंट लोड हो जाता है। तो यहाँ पर सक्सेस दिखा रहा है, ओके कर लेंगे और देन अपना रिटेलर डैशबोर्ड पर आएंगे और पेमेंट देखेंगे कि आपका पेमेंट ऐड हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे 5 रुपये बैलेंस था मेरा, 115 रुपये हो गया। बहुत सारे रिटेलर का कंप्लेन आता है कि पेमेंट ऐड नहीं होता है, कभी किसी कारण बस कोई पेमेंट फंस जाता है तो मैनुअली ऐड किया जाता है, बट यहाँ पे 99% पेमेंट आपको सक्सेस मिलता है, विद इन सेकेंड में आपके वॉलेट पर लोड हो जाता है। और एक और इसमें खूबी है कि अगर आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, बना रहे हैं, किसी कारण बस पैन कार्ड आपका प्रोसेस फेल हो जाता है, पैन कार्ड नहीं बन पाता है, तो आपका जो भी वॉलेट से रुपया डेबिट होता है वो 24 से 48 घंटे में आपके वॉलेट पे ऑटो क्रेडिट हो जाता है, इसके लिए भी आप निश्चित रहें।
और यहाँ पे फिंगर डिवाइस मंत्रा मोर्फो आपका काम करता है। जैसे ही यहाँ पे डिवाइस हम लगाए रेडी दिखा रहा है, आप इजीली ई केवाईसी पिन अप्लाई ओटीपी और फिंगर के द्वारा पैन कार्ड बना सकते हैं इसके द्वारा। और आपका यहाँ पे आप दो ऑप्शन मिल जाता है, आप न्यू पैन कार्ड बना सकते हैं और पैन कार्ड करेक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखा देते हैं हम, यहाँ की यहाँ पे न्यू पैन कार्ड अप्लाई का भी ऑप्शन है और पैन कार्ड करेक्शन का भी ऑप्शन है। फिंगर के माध्यम से आप पैन कार्ड करेक्शन भी कर सकते हैं। देन हम आधार कार्ड के अनुसार सारा डिटेल्स फिल कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे, जेंडर फिल कर लेंगे, मोबाइल नंबर कस्टमर का डालेंगे, मेल आईडी आप अपना भी डाल सकते हैं, प्रिंट निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं। इसके द्वारा पैन कार्ड आप बनाइएगा तो आपको एक से दो घंटा में मेल में मिल जाता है। कस्टमर के एड्रेस पर फिजिकल कॉपी 7 से 10 दिन में एड्रेस पर उसका हार्ड कॉपी पहुँच जाता है। पैन कार्ड आपके वॉलेट पर 107 रुपया होना चाहिए पैन कार्ड अप्लाई के लिए। तो मेरा दूसरा भी वीडियो बना हुआ है चैनल में, आप लाइव प्रोसेस दे सकते हैं पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है। देन आपको इस रिटेलर आईडी से आप फिंगर के द्वारा फिंगर के माध्यम से आप पैन कार्ड बना सकते हैं। कस्टमर का आधार कार्ड का फ़ोटो भी चेंज कर सकते हैं, यानी मैनुअली फ़ोटो डाल सकते हैं आप, और कस्टमर का सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। आपको अगर रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए तो आप इजीली हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना आईडी क्रिएट करवा सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल गया होगा कि आप इस रिटेलर आईडी में क्या क्या कर सकते हैं। न्यू पैन कार्ड बना सकते हैं, पैन कार्ड करेक्शन कर सकते हैं और फिंगर के ही माध्यम से पैन कार्ड बना सकते हैं, फोटो अपलोड कर सकते हैं, सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद आईडी है, आप चाहें तो आप ले सकते हैं और अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल गया होगा कि आप इस रिटेलर आईडी से ईकेवाईसी फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं और आईडी कैसे ले सकते हैं आप हमसे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल गया होगा कि बैलेंस कैसे ऐड किया जाता है और रिटेलर आईडी में क्या क्या वर्क आप कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।